23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। मैरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि क्या उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे ज़रा भी समझदारी नज़र नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी ज़िंदगी बदली, तो मैं जिन चीज़ों को अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आँख खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज़्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इसमें से कोई भी चीज़ संयोग से हो रही है। यह लगता है कि सारी चीज़ें आदर्श तरीके से, तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीज़ें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, तो फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस और जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज़ उतनी ही तेज़ी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता
महसूस करते हैं जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता की सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज ज़रा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप इन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने के और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास केवल आपके सांस लेने के बारे में नहीं है बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज़ निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।